everyone. Well, welcome to your channel Knowledgepedia India. So, हम लेके आए हैं अपनी एक और नई वीडियो और ये वीडियो हमारे उन सब्सक्राइबर्स के लिए है जो जिन्हें सोलर सिस्टम के बारे में नॉलेज लेना बहुत ही ज़्यादा पसंद है. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सोलर सिस्टम एंड इट्स प्लानिंग. सो मैं आशा करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया होगा ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे. और प्लीज मेक श्योर दैट आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा. सो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट होता है तो होते हैं. तो उससे पहले मैं आप सभी की एक कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ. कुछ लोग कहते हैं कि 9 प्लैनेट होते हैं, वो उसमें प्लूटो को भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन प्लूटो बहुत पहले एक्सक्लूड हो गया था क्योंकि वो एक ड्वार्फ प्लैनेट है और हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे बहुत सारे ड्वार्फ प्लैनेट हैं, है ना. तो उसके बारे में आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा और मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर भी एक ब्लैक होल है, है ना. लेकिन हम क्यों उनके पिक्चर्स नहीं खींच पाए, क्या कंडीशन है, वो सब मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगा, है ना. सो सबसे पहले हमें प्लैनेट्स की नेम लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ. माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स. सो माई फॉर मरकरी, वेरी फॉर वीनस, एक्सीलेंट फॉर अर्थ एंड मदर फॉर मार्स, जस्ट फॉर जुपिटर, सर्व फॉर सैटर्न. यू एस अस मतलब यूरेनस और नूडल्स मतलब नेपच्यून. सो हमारे में से कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं कि सन से सबसे फारेस्ट प्लैनेट कौन सा है, सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है. तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यूरेनस और नेपच्यून में, है ना. तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, यूएन, यूनाइटेड नेशंस, है ना. यूनाइटेड नेशंस का यू पहले आता है तो यूरेनस पहले और नेपच्यून पहले बाद में, सॉरी, है ना. तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि नेपच्यून तो सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है ना, लेकिन सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा होगा. आप में से कुछ बच्चे कहते हैं कि मरकरी है, लेकिन ऐसा नहीं है. सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट जो होता है वो वीनस होता है, क्योंकि वीनस में कुछ ऐसी गैसेस होती है जो बहुत ज्यादा गर्म होती है. सो लेट्स मूव टू वन. सो अब हम सबसे पहले बात करेंगे मरकरी की. तो जो मरकरी है, इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट एंड इन द मोस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. इट टेक्स 87.97 डेज 0.97 days to complete one round around the sun. Mercury is named after Roman deity, the messenger of God. Mercury is one of the 4 terrestrial planets. So the Mercury is the सबसे छोटा planet है और सबसे innermost है solar system में, मतलब sun के सबसे पास है. ये एक अपनी rotation करने में अगर हम round off करें तो 88 days लेता है, लेकिन वैसे अगर हम एग्जैक्ट हम इसको पॉइंट में ले तो 87.97 डेज डेज, ठीक है. और जो ये है, ये एक इसका नेम आफ्टर द रोमन डाइटी मरकरी, है ना. इसके पीछे बात कर रहा है ये क्या, मैसेंजर ऑफ गॉड. मरकरी जो है वन ऑफ द 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, है ना. तो जैसा कि आपको पता है कि मरकरी एक मेटल का भी नेम होता है जिसका सिंबल होता है HG, है ना. और ये लिक्विड मेटल होता है ना. ये सिर्फ एक ऐसी, ये सिर्फ एक लौटा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, ठीक है. सो रिमेम्बर, आप उसको इसको कंफ्यूज मत कर लीजिएगा. सो जब हमने लास्ट में पढ़ा था, लास्ट पॉइंट में, कि जो मरकरी है वो वन ऑफ द 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है. अभी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या हो गए, ये बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आएगा, तो इसी प्रॉब्लम का भी समाधान मैं लेके आया हूँ. जो तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं, ये होते हैं, इनको हम ट्रुलुक प्लैनेट कहते हैं, रॉकी प्लैनेट, है ना. इज अ प्लैनेट दैट इज कंपोज्ड प्राइमरी ऑफ सिलिकेट रॉक्स और मेटल्स, जो कि रॉक्स और मेटल्स से बनते हैं, है ना. इन द सोलर सिस्टम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर द इनर प्लैनेट्स क्लोजेस्ट टू दैट सन. सो ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं, इनर प्लैनेट्स होते हैं जो क्लोजेस्ट टू द सन होते हैं, जैसे मरकरी है, ठीक है. सो अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्या होता है ना. अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर आपको इसको
और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा. सो लेट्स मूव टू जो फोर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं मरकरी के अलावा, वो होते हैं वीनस, अर्थ और मार्स. ये चार आप टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जैसे उसकी डेफिनेशन में लिखी जो सन के बहुत पास हो गए. तो सिंपल सी बात है, वो चार प्लैनेट्स हो गए, ठीक है. सो मरकरी डेंसिटी इज द सेकेंड हाईएस्ट डेंसिटी इन द सोलर सिस्टम. मरकरी डेंसिटी इज द सेकेंड हाईएस्ट डेंसिटी इन द सोलर सिस्टम. अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो फर्स्ट हाईएस्ट डेंसिटी है वो कौन सी प्लैनेट की है, अगर आपको पता हो. प्लीज़ यार, आप क्वेश्चन के आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए. मुझे कोई भी आंसर नहीं आते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है इसके लिए, ठीक है. तो मेक श्योर आप इसका आंसर जरूर देंगे. सो नेक्स्ट वी हैव मरकरी सरफेस इज सिमिलर टू द अपीयरेंस टू दैट मून. कि जो इनका जो सरफेस होता है जमीन, वो भी एकदम मून की तरह होता है. मरकरी एंड वीनस डोंट हैव इट्स मून. इनके पास कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं होती, कोई भी मून नहीं होता. सो द नेक्स्ट प्लैनेट है माय वेरी एक्सीलेंट मदर, है ना. सो माय का तो हो गया मरकरी. सो नेक्स्ट वी हैव वीनस, है ना. सो जो वीनस है उसको हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोलते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार किसको बोलते हैं. तो ये वीनस है. ये ऑर्बिटिंग सन एवरी 224.7 डेज. सो जो ये वीनस होता है ये 224.7 अर्थ के दिनों के हिसाब से ये रिवॉल्यूशन करता है, ठीक है. और ही हैज नो नेचुरल सैटेलाइट मून. जैसे कि हमने बताया था कि मरकरी और वीनस दोनों में कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं होती, कोई मून नहीं होता. और जो मरकरी है उसका नेम आफ्टर द रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी के ऊपर पड़ा है. और ये जो है ये सेकेंड ब्राइटेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई आफ्टर मून. देखिए ये ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है नाइट स्काई का, ठीक है, आफ्टर मून. सो फर्स्ट कौन है? मून. और सेकेंड कौन है? सेकेंड कौन है? वीनस. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. सो इट इज एन इंफीरियर प्लैनेट. इंफीरियर मतलब क्लोज टू द सन. It is a terrestrial planet. Terrestrial planet is also same as inferior planet. It means that close to the sun, है ना. So also known as Earth sister planet. So इसको जो Venus होता है इसको Earth sister planet बोलते हैं, ठीक है, है. और ये जो mainly इसमें जो जैसे हमारी Earth nitrogen और oxygen से बनी है, वैसी mainly जो Venus होता है ये carbon dioxide, sulfur dioxide और हाइड्रोजन, इन तीन कैसेस से बना है, ठीक है. सो होप, ठीक है. और ये भी देखिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज है वो 96.5 है. तो कितना हाईएस्ट है, मतलब मोस्ट ऑलमोस्ट इसमें हम क्या कह रहे हैं 95% तो इन्होंने इसका ही ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड का. सो सोचिए कितना गर्म होगा, ठीक है, और हाइड्रोजन अलग, ठीक है. सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट. तो थैंक यू. इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है. ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो रही थी तो इसलिए मैंने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है. होप यू लाइक आवर वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कमेंट ऑल्सो. और क्वेश्चन का आंसर देना मत भूलेगा. और मेक श्योर आप हमारी जो आगे आने वाली वीडियो आएगी उन्हें भी देखेंगे. सो इन द नेक्स्ट फेस वीडियो आई हैव अ गिव अवे फॉर माई फेवरेट YouTube for my favorite subscriber, ठीक है. सो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें मेरे पास एक गिव अवे होगा मेरे फेवरेट सब्सक्राइबर के लिए जो मुझे हर वीडियो पे कमेंट करता है, ठीक है. तो सो बाय बाय.